गुजर प्रतिहार राजवंश ने यहाँ पर शासन किया है। क्या इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा ना। उसके बाद में अपन ने देखा कि गुजर प्रतिहारों के बारे में, किसके बारे में? अरे किसके बारे में? किसके बारे में? गुजर प्रतिहारों के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी जोधपुर शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से मिलती है? जोधपुर शिलालेख से मिलती है, जो 837 ईस्वी का है। कब का है? 837 ईस्वी का है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो गढ़ियाला शिलालेख, कौन सा शिलालेख है? गढ़ियाला शिलालेख भी हमें गुजर प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है। कब? जो 861 विक्रम संवत का है। और ये दोनों शिलालेख हमें क्या बताते हैं? ये दोनों शिलालेख हमें बताते हैं कि गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण वंश के हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति से मानी जाती है। इससे मानी जाती है, हरिश्चंद्र व्यक्ति से मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए अपन हरिश्चंद्र को गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक मानते हैं।